गाइस, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जो कुआ है एक्सपेरिमेंट वाला वो चेंज किया जाए। हालांकि हमने चेंज करने की कोशिश हमेशा करी है, लेकिन आज हम एक ऐसे कुएं पे आ गए गाइस जो कि एक बहुत ही सुनसान सी जगह है और बहुत ही एकदम अलग थलग सी जगह है। ऐसा नहीं है कि बस्ती से बहुत दूर है, लेकिन वो जो कुआ है ना एकदम खाली सा पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है बहुत टाइम से, जो कि है यहाँ पर गाइस, जस्ट मेरे पीछे ही। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो कुआ है भाई, वहीं रहना, आगे मत आना, बहुत ध्यान से आना पड़ेगा। और भाई बहुत ज़्यादा टाइम से ये जो कुआ है ना, ये ऐसे ही सुनसान पड़ा हुआ है। और ये बात भी श्योर है कि अगर इसमें कोई इंसान गिर जाए तो उसका जो बचना है वो बहुत ही मुश्किल है। ऐसा पास्ट में हुआ भी है। तो ये जो कुआ आप लोग देख सकते हो पत्थर से बना हुआ है और भाई साहब बहुत पुराना है और बहुत, अभी तो इसके चारों तरफ जो है कचरा हो रखा है, मतलब वैसा वाला कचरा नहीं, लेकिन ये पेड़ वगैरह का कचरा। और देखो नीचे ढलान है, इसके आसपास जाने में भी गाइस जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। तो आज हम इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर गाइस हमारे पास में है पूरी 100 लीटर्स ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन और कुएं के अंदर डालने वाले 100 लीटर्स ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। तो आप लोग वीडियो के लिए लाइक बटन जरूर से दबा देना। फटाफट से शुरू करते हैं। भाई मुझे खुद भी नहीं पता कि इस कुएं के अंदर क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि इसके पास जाना जो है बहुत ही ज़्यादा खतरे का काम है। ढलान देखो भाई, अगर पैर फिसल गया तो वैसे ही इसके अंदर जो है गिर जाएंगे, और इसके अंदर गिरे तो मतलब काम तमाम है। और ये जो लकड़ियाँ वगैरह देखो, कब से पता नहीं रखी हुई है, गली हुई लकड़ियाँ एकदम। तो गाइज यहाँ पर मैं ये सेफ्टी हारनेस लेकर के आ गया हूँ, और सेफ्टी हारनेस का यूज़ किए बिना इसके पास जाना गाइज जो है खतरनाक काम है। भाई टेस्ट करना ज़रूरी है। तो गाइज यहाँ पर जो सेफ्टी हार्नेस है वो तैयार है, और अब जो है मैं देख सकता हूँ कुएं के अंदर। इस पेड़ को पकड़ के रखूँगा, इसी में मैंने सेफ्टी भी डाली हुई है। भाई एक टॉर्च देना मुझे ज़रा। गाइज उतरिए, इतना गहरा है भाई, बहुत गहरा कुआ है, बहुत गहरा है। और भाई अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना पहले इस कुएं के अंदर एक बार कैमरा डाल करके देखा जाए कि अंदर क्या है, क्योंकि इतने पुराने कुएं के अंदर क्या है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके अंदर। अच्छी बात यह है कि कोई कबूतर नहीं है, कोई बर्ड वगैरह नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो गाइज यहाँ पर जो है थोड़ी सी सफाई हमने कर दी है, और पता नहीं कैसे हम जो है वैसे ही इतनी खतरनाक जगह पर आए हुए हैं, और यहाँ पर बहुत तेज़ आंधी चलने लग गई है। ओहो, और साथ में बरसात भी आने लग गई है। ओ भाई ये तो तगड़ा ही सीन हो गया यहाँ पे। भूतिया सा नज़ारा नहीं हो रहा कुछ की, बाबा आदम के ज़माने का ये कुआ है, और अब आंधियाँ चल रही है और साथ में बारिश भी आ रही है। और गाइज एक कहानी ऐसी बताई जाती है कि एक बार बहुत तेज आंधी चली, और यहाँ पर कोई खेती करने वाले लोग जो थे वो अपना बिस्तर लेकर के जा रहे थे, और इतनी तेज़ हवा चली कि वो अपने बिस्तर के साथ इस कुएं के अंदर गिर गए। और उसकी वजह से गाइज क्या हुआ कि नीचे गिरने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पहले बिस्तर गिरा, बिस्तर के ऊपर वो गिरे, और उसकी वजह से सब ठीक ठाक बच गया। फिर जब नहीं मिले तो ढूंढे, तो तब पता लगा कि अरे यार हमारा बंदा तो कुएं के अंदर गिरा हुआ है। तो ऐसा कुछ स्टोरी था। मैंने सोचा आपको वो भी बता दूं, क्योंकि अभी वैसा ही सीन हो रहा है, हवा वगैरह जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलने लग गई है फिलहाल। तो गाइज यहाँ पर मैंने इस कैमरा के ऊपर ये टॉर्च अटैच कर दी है। भाई कैमरा का रिस्क तो ज़रूर है, लेकिन अब जो है कुछ किया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग चालू करी है, और इस कैमरा को इस रस्सी से बांधा, और अब ये जाएगा कुएं के अंदर और हमको कराएगा कुएं की सैर। गाइस कैमरा जो है वो कुएं के अंदर जा चुका है, और आप लोग देख सकते हो। अब मुझे नहीं पता कैमरा में फिलहाल कैसा नज़ारा दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को जो है दिख रहा होगा कैमरा गोल गोल घूमने लग जाता है, बीच में ये घूमने लग जाता है यार, थोड़ा सा भी इधर उधर आते ही, धीरे धीरे टच कराना उसको। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर से देख सकते हैं कि अंदर कोई जानवर तो नहीं है, कोई बर्ड्स वगैरह नहीं है। जनरली कुएं में कबूतर रहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमको तो ऐसा ही कुआ चाहिए था, क्योंकि कबूतर वगैरह को भाई दिक्कत हो सकती है। और अब जो कैमरा है वो कुएं को टच कर रहा है, इसके पैंदे में है, और भाई ऊपर से तो ज़्यादा कुछ नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि कुआ बहुत ही गहरा है। हाँ, लेकिन आप लोगों को जो है फिलहाल नीचे का नज़ारा दिख रहा होगा, क्या बात है। चलो अब कैमरा को बाहर निकालते हैं।
और गाइस जो कैमरा है वो एकदम नीचे जा कर के आ चुका, आप लोग फुटेज भी इसमें देख सकते हो। और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि इसके अंदर कोई भी जानवर नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कबूतर या कोई बर्ड्स वगैरह होते तो तब हम इसके अंदर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करते, तो ये ज़रूरी भी था चेक करना। और यहाँ पर ये साबित भी हो गया इसकी मदद से कि इसके अंदर कोई कबूतर या कबूतर के बच्चे या कोई भी किसी तरीके का बर्ड वगैरह नहीं है। और एक बार हमें लगा था कि इसमें कोई सांप वगैरह है, लेकिन कैमरे को खूब अच्छे से हमने देख लिया, लेकिन कहीं भी जो है सांप वगैरह कुछ दिखा नहीं है इसके अंदर। तो गाइज यहाँ पर बरसात वगैरह रुक चुकी है और अब एकदम बढ़िया मौसम हो गया, तो इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन, वैसे इसके अंदर 55 लीटर है और 55 इसके अंदर तो टोटल 110 लीटर है, तो गाइज 100 लीटर तो कम से कम हम इसमें जो है डाल ही देंगे। पहले इसको इस कंटेनर में डाल लेते क्योंकि इससे जो है एकदम से गैस नहीं आएगी। चलो जी उठाओ, -196 डिग्री सेल्सियस का ठंडा लिक्विड ये आपके सामने आ रहा है। और गाइज वाओ, मेरी सेफ्टी हार्नेस जो है वो अभी भी लटकी हुई है, लेकिन वहां से खोल दिया हमने। तो गाइज यहां पर जो है दोनों कंटेनर्स भर गए, इनमें अगर 100 नहीं तो गाइस 95 लीटर्स तो कम से कम आ ही गया होगा, क्योंकि कंटेनर्स में 110 लीटर है तो थोड़ा सा इसमें जो है बच भी गया है। अब इनको लेके चलते हैं उस साइड में क्योंकि वहां से डालना ही सबसे ज्यादा सेफ है। तो गाइस फिलहाल सारा मामला तैयार है, अब डालते हैं कुएं के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन इन 3 2 1 गो। ओए अबे ये क्या कर दिया, ओ तेरी अब्बास बेटा, ओए पूरा ही डाल दिया टैंकर फेंक दिया। और गाइस पूरा डाल दिया टैंकर फेंक दिया। और गाइस फिलहाल जो कुआ है वो एक कुआ नहीं है बल्कि बादलों का घर बन गया। एक बार भाई पीछे जाके दिखाओ पूरा एरिया, क्या बात है गाइस, एक कुआ है लेकिन कुआ दिख नहीं रहा, गलत फहमी मत है ना, हमने तो सेफ्टी बांधी हुई है और ठंडी ठंडी हवा रही है कुएं में से। और गाइस सोचो विद इन मतलब 2-3 सेकंड के अंदर पूरी 100 लीटर नाइट्रोजन इसके अंदर चली गई। और गाइस मैं तो फिलहाल बंधा हुआ हूँ क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं दिख रहा कुएं के अंदर। ओ वाओ भाई साहब, इसे कहते हैं क्रेजी एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर इस कुएं के अंदर बादल बन चुके हैं, शायद इस कुएं की जिंदगी में पहली बार इसके अंदर बादल बने होंगे, असली वाले बादल है गाइस, ये पानी के ही हैं। लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन ने इतना ठंडा कर दिया कि वो जो हवा में पानी होता है वो यहाँ पर बादल के रूप में दिख रहा है। और गाइस कम से कम 1-1.5 मिनट हो गया डाले हुए और अभी भी जो है इसमें बादल जो है वो ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि बाहर तो बहुत तेज हवा चल रही है लेकिन कुएं के अंदर हवा नहीं है और ठंडी ठंडी आ रही है। और गाइस यहाँ पर जो है अंदर कुछ नहीं दिख रहा, टॉर्च मारता हूँ ज़रा एक बार नीचे, और जो टॉर्च है वो यहीं रुक जा रही है। ऊपर के बादल तोड़ गए लेकिन नीचे के बादल जो है वो नहीं उड़े, ठंडी ठंडी हवाएं कुएं में से आ रही है। अब जो बादल है वो सिर्फ पैंदे पैंदे में बचा हुआ है, फिलहाल पूरा जो बादल है वो हट चुका है, सिर्फ नीचे नीचे नहीं नहीं आगे मत बढ़ो भाई, मैं बता देता हूँ वहीं समझ जाएंगे सब, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है। तो यहाँ पर मैं अपना सेफ्टी खोल लेता हूँ पहले तो। ऑल राइट, तो गाइस क्या
वो तेल लग गई यार, झटका लग गया, खून आ रहे हैं क्या? यार होठ पे लग गई हार्नेस की, यहाँ अंदर से शायद कट गया कहीं से यार। ओहो चलो, दर्द हो रहा है यार थोड़ा सा होठ में। देखो अब मेरे को अपना जो लिप्स है ना वो हील नहीं हो रहा है, ज़्यादा लगी क्या? उत्तरी ऊपर लगी है। चलो ठीक है गाइस, वीडियो बढ़िया बन गई, अब ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहता। अरे यार ये क्या हो गया लास्ट में। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसी और मज़ेदार वीडियो आपके लिए। ओह एक मिनट, एक मिनट, पता नहीं एक साइड से लग गई यार, फर्स्ट एड कर लेंगे अभी। तो गाइस ठीक है, थैंक यू सो मच, अब क्या बोलूँ यार, यहाँ दर्द हो रहा है बहुत तेज। थैंक यू सो मच, ऐसी और मज़ेदार वीडियोस बनाते रहेंगे गाइस हम आपके लिए, आँख खोलने बंद नहीं कर रहा। चलो ठीक है, बाय बाय, नमस्कार, बंद करो बंद करो बंद करो।